हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, कल की तरह आज मैंने फिर से भारत के मैप को अपने हाथों से ड्रा करा है। उसके पहले थोड़ा सा भारत के मैप को पेंसिल से थोड़ा सा निशान बना दिया, जिससे कि मैप बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो बस आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक तथ्य, मतलब कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है, भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आज हमको बताने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, उत्तर में कौन सा सागर है, ये सब जो है हम कल की वीडियो में आपको रिविजन करवा दिए हैं। तो आज की बारी है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो जलीय सीमा होता है भारत का वो कितना है, तब हम इसके बारे में आपको भी बता देंगे, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा शुरू होता है यहाँ से आपका जो गुजरात है, गुजरात से लेकर जो है शुरू होता है, ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जो यहाँ तक कॉर्नर बिंदु होता है, यहाँ पे जो है भारत का स्थलीय सीमा यहाँ तक लगता है। अब देखते हैं कि जो है टोटल लेंथ इसका कितना है, आप लिखे मत, हम वैसे लिख देते हैं, हम आपको भी पूरा एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये भारत का जो है स्थलीय सीमा है। और समुद्र तटीय सीमा कितना है, तो समुद्र तटीय सीमा भारत का है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक केप के मोरिन तक, फिर यहाँ से जाके यहाँ तक भारत की जो है टोटल जो है समुद्री सीमा कितना हो जाता है, तो भारत के टोटल समुद्री सीमा हो जाता है। और इसके बाद अगर हम द्वीपों को जोड़ देंगे तो इसका अलग से बता देंगे, पहले हम भारत की मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा कितना होता है, तो ये होता है 6100 किलोमीटर, ये होता है मुख्य भूमि का जो है तटीय सीमा, जो मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा है ये होता है 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम अंडमान और लक्षद्वीप का पूरा सीमा मिला दें तो कितना हो जाता है, तब यह हो जाता है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाता है 7516 किलोमीटर, इसको याद रखें, भूलना मत। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि भारत का जो है, भारत के साथ सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो भारत के पश्चिम में, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है पाकिस्तान का सीमा यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगता है, ठीक है, जैसे कि इधर हो गया आपका गुजरात, फिर इसके बाद पाकिस्तान, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, और जस्ट ऊपर थोड़ा सा लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है। तो ये हो गया पाकिस्तान सीमा जो है भारत के साथ बनाता है, इधर जो है थोड़ा सा इतना सा भाग अभी जो है ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, कश्मीर का जो इतना पीओके वाला भाग, इतना पास जो है चीन के, इसके पास है अफगानी पाकिस्तान के पास, और ऐसे जो है इतना भाग जो है किसके पास है, चीन के पास। तो फिर ये वाला भाग जो अफगानिस्तान से लगता है और यहीं से शुरू हो जाता है हिमालय, और इसके बाद यहाँ से जो है चीन की सीमा भी लगती है, और यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक चीन की सीमा लगती है, ठीक है, चीन की सीमा यहाँ तक लगती है, फिर इसके बाद जो है नेपाल की सीमा लगने लगती है, फिर यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, सिक्किम में जो है चीन का थोड़ा सा भाग लगता है यहीं पे, क्योंकि डोकलाम पठार स्थित है जो विवाद में हमेशा बना रहता है, चीन कहता है ये मेरा भाग है, तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे डोकलाम पठार है, फिर इसके बाद जो है भूटान स्टार्ट हो जाता है, भूटान जो है आपका यहाँ तक लगता है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चीन का भाग लगता है, ठीक है, जिसे जो है ये अरुणाचल प्रदेश को अपना पूर्वी तिब्बती भाग बताता है, लेकिन ये हमारा है, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। फिर यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक किसका भाग लगता है, तो म्यांमार का लगता है, ये भी याद रखना, और जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और इसके बाद जो है यहाँ तक पूरा ए यहाँ तक किसका लगता है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश यहाँ पे स्थित है, इसको मैंने यहाँ पे मतलब जगह नहीं था स्पेस, तो इसलिए बांग्लादेश यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार से सीमा कौन कौन सी बनाते हैं भारत से, पाकिस्तान, फिर इसके बाद अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, कितने देश हुए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट में एक देश स्थित है जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन वो जलीय सीमा जरूर बनाता है, ये आपका छोटा सा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे जो है भारत की भारत से जो है असली सीमा के माध्यम से तो जुड़ा नहीं है, लेकिन जलीय सीमा के माध्यम से ये जुड़ा है। राम सेतु इसे ही कहते हैं। इसके माध्यम से जो है श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो भारत का भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। आप देख सकते हैं यह किस स्टेट से जुड़ा है? तो पाक स्टेट से जुड़ा है और मन्नार की खाड़ी से। इसे जो है पाक की स्टेट या मन्नार की खाड़ी से यह जुड़ा हुआ है श्रीलंका। अब आपने इतना देख लिया, अब हम स्टूडेंट आपको बता दें कि जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन आपको बता दें। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये कॉर्नर वाला भाग है। पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर एक ही भाग था जम्मू कश्मीर के नाम से इतना बड़ा, लेकिन जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको अलग करके जो है राज्य से अलग करके जो है क्या बना दिया गया? यूटी। तो इस प्रकार से अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पे ये पूरा भाग जो है इतना लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर। तो अब जो है इंदिरा पॉइंट जो है इंदिरा काल जो है ये लद्दाख में स्थित है, याद रखना। तो इंदिरा काल जो है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। अब याद कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमेशा आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो किसी को बुलाना होता है तो कॉल करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जब किसी को कॉल करते हैं तो इमरजेंसी होती है तभी कॉल किया जाता है। तो इंदिरा काल जो है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। इसके बाद जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसके बाद सबसे पूर्वी किस में स्थित है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे करके इतना भाग जो है किसका होता है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। तो सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? ये किवतु है। किस प्रदेश में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी याद रखना, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किवतु हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका गौर मोथा। गौर मोथा या इसे जो है सर ग्रीक भी कहते हैं, दो नामों से जाना जाता है, गौर मोथा या सर ग्रीक। और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और किस राज्य में? तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से लेकर ऐसे करके आपका कौन सा राज्य है, तो ये ऐसे करके बन जाता है आपका गुजरात। तो यह गुजरात में स्थित है, इसको भी याद रखना। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोथा जो कि अरुण गुजरात में स्थित है। अब हम सबसे दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह है केप कैमोरिन। आप देख सकते हैं कि जो है ऐसे करके यहाँ से एक राज्य ऐसे बना हुआ है। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कौन सा राज्य हो जाता है? ये आपका केरला हो जाता है। ये आपका केरल केरल हो जाएगा और ये आपका तमिलनाडु। यहाँ पे जो स्थान स्थित है उसे क्या कहते हैं? केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु के किस राज्य में किस जिले में स्थित है? तो तमिलनाडु के जो है कन्याकुमारी में स्थित है। तो याद रखना सबसे जो है मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह केप कैमोरिन है। मुख्य भूमिका क्योंकि ये भारत का मुख्य भूमि है, ये भी भारत का मुख्य भूमि है, लेकिन ये जो है भारत का ये मुख्य भूमि है क्योंकि पूरे भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? यह केप कैमोरिन हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन सबसे दूरस्थ स्थित बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो सबसे दूरस्थ बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो केप कैमोरिन, लेकिन सबसे दूरस्थ बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टूडेंट आपको बता दें, ये आपका है जो कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसके बाद भारत के पश्चिम में यानी कि ये लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है। ए से हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, ए से अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार किस में स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में, बी फॉर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी जो है भारत के पूर्वी भागों में है। और भारत के दक्षिण भाग में कौन सा महासागर है? तो यहाँ पे हिंद महासागर है, एच फॉर हिंद कर दे रहे हैं, आप इसको याद रख लेना। और इधर जो है कौन सा सागर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरब सागर। यहाँ पे आपका कौन सी खाड़ी हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका खंभात की खाड़ी, के फॉर खंभात कर देंगे, के एच से आप समझ जाना, ये खंभात की खाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे कच्छ, तो के सी से कर देंगे, कच्छ हो जाएगा। यहाँ पे जो है कच्छ की खाड़ी स्थित है। तो हमने इतना सब कुछ कल भी देखा था, लेकिन जो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, ये सब आज देख लेंगे। तो आई होप आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा कि भारत के पूर्वी भाग में कौन सा देश है? म्यांमार है और बांग्लादेश है। उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है, भूटान है और चीन है। पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। और सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? तो यह है श्रीलंका। मालदीव की स्थिति अगर आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो मालदीव की स्थिति है यहाँ पर, ये आपका हो जाता है मालदीव। और भारत में जो है कितने यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने कल भी बताया था। तो भारत में जो है 7 केंद्र 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक यहाँ पे एक राज्य जाएगा, आप देख सकते हैं मैप में ऐसे करके ऐसे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है एक पुदुचेरी का एक भाग है। पुदुचेरी चार 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 जगह पे फैला हुआ है 3 राज्य में। तो यहाँ पे यनम है,
वाइफारियनम हो जाएगा, और तमिलनाडु में दो भाग में है। पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में दो जगह पे है, एक तो पुडुचेरी के नाम से ही जाना जाता है तो ये पुडुचेरी हो जाएगा, और एक कराईकल। तो तमिलनाडु में पुडुचेरी का दो भाग है, और एक है माहे, यम फार माहे जो यहाँ पे है यह केरल में है। तो आप देख सकते हैं यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, यह जो है तीन राज्य में विस्तृत है, पुडुचेरी का चार भाग। और एक जो है आपका जो यूटी है ये आपका अंडमान हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, तीसरा जो आपका ये पुडुचेरी हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पे जो है गुजरात और महाराष्ट्र की महाराष्ट्र से सीमा बनाता है, और यहाँ पे जो स्थित है इसे क्या कहते हैं दमन और दीव। तो चौथा ये यूटी हो जाएगा, ये चौथा यूटी हो जाएगा, और पाँचवा यूटी आपका कौन सा हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली, और छठा हो जाएगा चंडीगढ़ यहाँ पे जो स्थित है, सातवां हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, और आठवां हो जाएगा आपका लद्दाख। तो इस प्रकार से आपके 8 यूटी हो जाते हैं और 28 राज्य हो जाते हैं। अब हम आपको मैप से हट के जो है कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को दिखाना चाहेंगे, आप उसको ज़रूर देखें। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको तथ्य भी दिखाऊंगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अब देखते हैं कि छठा मतलब छह देश भारत से कौन बड़े बड़े हैं। तो पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर अपना प्यारा भारत है क्षेत्रफल में। अब ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की तटीय सीमा, मैंने लिखा था भारत की तटीय सीमा लगभग कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, याद रखना, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है सीमा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जो भारत का स्थलीय तटीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, तथा समुद्र तट की लंबाई जो समुद्र तट से सीमा बनाता है कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट इतना है। मैंने आपको बताया था 1,516 किलोमीटर एग्जैक्ट है, 1,516.6 किलोमीटर। इन दोनों के बीच अनुपात कितना हो जाता है, तो इन दोनों के बीच अनुपात हो जाता है 2:1 जो है इसका अनुपात हो जाता है। अब देखते हैं कि भारतीय राज्यों में गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है, आप समझ गए होंगे। रुको एक मिनट, हम आपको दिखा देते हैं। ये गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है जो कि यहाँ से लेकर दमन दीव से लेकर जो है यहाँ तक फैला हुआ है, ये सबसे बड़ी तट रेखा है भारत की, जो समुद्र के साथ जो सीमा बनाता है उसे कहते हैं समुद्र तटीय सीमा। तो सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा किसका है, गुजरात का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, मैंने बताया था जो लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कॉल, जब कोई इमरजेंसी होती है तभी इंसान कॉल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, जो मुख्य भूमिका मतलब जो भारत का सबसे मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट है, केप कैमोरी, ये कहाँ स्थित है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो यह है किवीथू, और किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, मैंने आपको यह भी बताया था। और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी पॉइंट है गोरमोथा या सरगिरी, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की तटीय सीमा जिन देशों के साथ लगती है, मैंने बताया था कि भारत की जो तटीय सीमा है किन देशों के साथ लगती है, मैंने आपको दिखाया भी था, और आपको अब नाम भी बता दें, और जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, तो मैंने बताया था पहले अफगानिस्तान लगता है, पाकिस्तान लगता है, फिर अफगानिस्तान, फिर नेक्स्ट चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और लास्ट में बांग्लादेश। अब देखते हैं भारत का निकटतम देश जिससे भारत की कोई तटीय सीमा नहीं लगती है, वह सिर्फ समुद्री सीमा ही लगती है, वह कौन सा देश है, तो वह श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी सीमा बनाती है। पाकिस्तान से सीमा किस माध्यम से बनता है, तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से, इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल का 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर का 2.4% हिस्सा है, मतलब भारत के पास कितनी जमीन है पूरे विश्व का, तो वह है 2.4% भारत के पास हिस्सा है। नेक्स्ट है कि जबकि विश्व जनसंख्या का 17% भाग भारत में है, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में जनसंख्या रहती है, तो 17% जनसंख्या भारत में रहती है। और वहीं जमीन कितनी है भारत के पास, तो पूरे विश्व का 2.4%, ये याद रखना। अब जनसंख्या आया तो थोड़ी सी जनसंख्या से भी बात कर लें,
वैसे जो है अभी जो है नया डाटा तो नहीं आया है, सिर्फ एक अनुमानित तौर पर बोला जा रहा है कि भारत की जनसंख्या जो है चीन से आगे निकल रही गई है और निकल भी गई है, ये सत्य बात है। लेकिन अभी जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक उस पर बात नहीं कर सकते हम। पुराना जो है जो 2011 की जनगणना के अनुसार से हम आंसर अपना चूज करेंगे। हम आपको दिखा दें कि जनसांख्यिकीय तथ्य, जो भारत की जनसांख्यिकीय तथ्य है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। भारत की जनसंख्या जो है, जनसंख्या कब से ली जाती है, तो 1 मार्च 2011 से। 1 मार्च 2011 से भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की जनसंख्या थी आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना है अरब, कितना हो जाएगा, 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573। ये भारत की टोटल जनसंख्या है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितना हो गया है, 1.35, यानी कि हम चीन से भी आगे निकल गए हैं अनुमानता। लेकिन अभी हमारे पास टोटल डाटा नहीं है, तो इस हिसाब से हम 2011 की जनगणना के अनुसार अपना आंसर चूज करेंगे। तो भारत की जनसंख्या आपने देख लिया, 1 मार्च 2011 में कितनी जनसंख्या थी, तो 121 अरब थी, ठीक है, 121 करोड़ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से, इतनी जनसंख्या में से कितने पुरुषों की जनसंख्या है, तो यह है 62 करोड़ 31 लाख 21,843 पुरुष हैं। इतनी जनसंख्या में से कितना है, 62 करोड़ 31 लाख 21,843 पुरुष हैं। वहीं जबकि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या है 58 करोड़ 74 लाख 47,730। कितनी है, 58 करोड़ 74 लाख 47,730 महिला है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत कम हैं, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, तो 1,000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। ये बहुत ही दुखदायी बात है कि जो है भारत में 1,000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं, इसको याद रखना। पूछा जाता है भारत में लिंगानुपात क्या है, तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। इसको याद रखना, भारत की कुल साक्षरता कितना है, 74.04%। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 82.14% जो है पुरुष साक्षर है भारत में, और वहीं जबकि महिलाएं कितनी साक्षर हैं, तो 65.46 महिला साक्षरता है, ठीक है। तो भारत में 20% लगभग महिलाएं कम साक्षर हैं पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की 40% आबादी 3 सबसे बड़े अधिक आबादी वाले देशों के पास है, ठीक है। तो पूरे विश्व की 40% आबादी सिर्फ 3 देशों के पास है, कौन कौन से देश हैं, चीन, चीन की आबादी कितनी है, 134 करोड़, अमेरिका, अमेरिका की आबादी कितनी है, तो 30.87 करोड़ है, और भारत की आबादी जो है कितनी है, 121 करोड़। वैसे पहुंच गई है चीन से आगे, 135 करोड़ हो गई, लेकिन हम पुराने डाटा से चलेंगे क्योंकि अभी नया डाटा आया नहीं है। तो इस हिसाब से भारत की आबादी कितनी है, 121 करोड़। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में 40% आबादी चीन, अमेरिका और भारत के पास है, और भारत दुनिया की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो भारत दुनिया की पूरी आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 17% है, और भारत के पास जमीन कितनी है, तो 2.4%। आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत के पास जनसंख्या कितनी है और जमीन कितनी है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा आपको जानकारी दे दी है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे भारत के अन्य राज्यों के बारे में या फिर किसी और तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, टेक केयर।